मैं क्या बोलूँगा, फर्स्ट यदि समेशन वाई एन अभिसारी है तो समेशन एक्स एन भी अभिसारी है, तो अभिसारी होगी। सेकंड है, यदि समेशन वाई एन अपसारी है तो समेशन एक्स एन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। थर्ड, यदि समेशन एक्स एन अभिसारी है तो समेशन वाई एन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। और फोर्थ है, यदि समेशन एक्स एन अपसारी है तो समेशन वाई एन भी अपसारी होगी, समेशन वाई एन भी क्या होगी, अपसारी होगी। तो ये हमारे पास मेथड है, ठीक है। अगर हमारे पास एक्स एन अपॉन वाई एन की वैल्यू अगर जीरो हो गई है तो मैं क्या बोलूँगा, ये इस तरीके से काम करेगा, जैसे वाई एन बड़ा है और एक्स एन छोटा है, जब एक्स एन छोटा है और वाई एन बड़ा है तो मैं क्या बोलूँगा, बड़ी अगर कन्वर्जेंट है तो छोटी भी कन्वर्जेंट होगी, अगर छोटी कन्वर्जेंट है तो बड़ी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, अगर बड़ी डाइवर्जेंट है तो छोटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, और अगर छोटी डाइवर्जेंट है तो बड़ी भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ये हमारे पास मेथड है, सभी लोग लिख लेना इसको, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ। लिख लिया सबने। नेक्स्ट मैं दूसरा टेस्ट करवाता हूँ आप लोगों को, इसी में से मैं लिख देता एक बार, कंपेरिजन टेस्ट फोर्थ, इसी को लिखना था एक्चुअल में मेरे को। कंपेरिजन टेस्ट फोर्थ, तुलनात्मक परीक्षण फोर्थ। If summation xn and summation yn be two positive term series and limit n tends to infinity xn upon yn is equal to infinity या फिर minus infinity तो बन ही नहीं सकता क्योंकि positive term series है। अगर ये क्या बनता है, infinity बनता है तो मैं बोलूँगा then, बताओ something upon something infinity कब बन सकता है, जब हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू तो ज़्यादा बड़ी हो और नीचे वाली वैल्यू छोटी हो, तभी तो टोटल वैल्यू इन्फिनिटी बनेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक्स एन तो बड़ा है, यहाँ पर उल्टा होगा, क्या बनेगा, एक्स एन तो बड़ा है और वाई एन छोटा है, एक्स एन तो बड़ा है और वाई एन छोटा है, तो देखना एक्स एन बड़ा है तो बड़ी सीरीज अगर कन्वर्जेंट होगी तो छोटी भी कन्वर्जेंट, बड़ी सीरीज अगर डाइवर्जेंट है तो छोटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, छोटी सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो बड़ी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, और छोटी सीरीज अगर डाइवर्जेंट है तो बड़ी के बारे में क्या कहेंगे, कि वो भी डाइवर्जेंट मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, समेशन एक्स एन इज कन्वर्जेंट है तो समेशन वाई एन भी क्या मिलेगी, कन्वर्जेंट मिलेगी। इन सब की जगह मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, समेशन एक्स एन, इफ समेशन एक्स एन इज कन्वर्जेंट देन समेशन वाई एन भी क्या मिलेगा, कन्वर्जेंट मिलेगा। इफ समेशन एक्स एन इज डाइवर्जेंट, इफ समेशन एक्स एन इज डाइवर्जेंट तो छोटी वाली वाई एन के बारे में कुछ नहीं कह सकता, इफ समेशन वाई एन, समेशन वाई एन छोटी वाली कन्वर्जेंट है तो बड़ी वाली के बारे में कुछ नहीं कह सकता, और अगर छोटी वाली डाइवर्जेंट है, वाई एन ही डाइवर्जेंट हो गई तो एक्स एन भी क्या मिलेगी, डाइवर्जेंट मिलेगी, ठीक है। ऐसा ही मैं इधर के साइड में लिख रहा हूँ, ये धनात्मक श्रेणियाँ हैं और यहाँ पर क्या मिलता है, अनंत मिलता है, तो मैं बोलूँगा किस तरीके से काम करना है, हमें इस बार उल्टा लेना है, इस बार हमारे पास वाई एन तो क्या मिलेगी, छोटी मिलेगी, और एक्स एन क्या मिलेगी, बड़ी मिलेगी। तो अगर बड़ी कन्वर्जेंट है, एक्स एन अगर कन्वर्जेंट है तो वाई एन भी कन्वर्जेंट मिलेगी, अगर एक्स एन, एक्स एन मतलब छोटी वाली
सॉरी एक्स एन बड़ी है ना, तो बड़ी वाली अगर डाइवर्जेंट है तो छोटी वाली के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, और अगर छोटी वाली कन्वर्जेंट है तो बड़ी वाली के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, और अगर बड़ी वाली हमारे पास कैसी है डाइवर्जेंट है तो छोटी के बारे में क्या कहेंगे, वो भी डाइवर्जेंट, सॉरी छोटी अगर डाइवर्जेंट है तो बड़ी भी क्या मिलेगी, डाइवर्जेंट मिलेगी। तो ये हमारे पास एक मेथड है, सभी लोग लिख लें इसको भी, आपको वापस से लिखना है, अपने उसी पुराने वाले में चेंज नहीं करना है आपको, आपको वापस से लिखना है इसको सारा, ठीक है। नेक्स्ट करूँ मैं, हाँ अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, देखना कैसे कैसे सीरीज़ के क्वेश्चंस होते हैं और कैसे कैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाता हूँ। बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको लगातार समझते रहना है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझ लो एक बार। एग्जाम किताब के एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, सीरीज है हमारे पास 1/2 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/3 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 5 प्लस 1/3 की पावर 6 और प्लस इसी तरीके से। तो मैं बोलूँगा दी हुई श्रेणी का श्रेणी के अभिसरण की जांच कीजिए, दी हुई श्रेणी के अभिसरण की जांच कीजिए। सीरीज हमारे पास ये दे रखी है, ठीक है। अब देखना इस सीरीज में आप लोगों को कुछ नया दिख रहा है क्या, देखना 1/2 फिर 1/2 की पावर 3 फिर 1/2 की पावर 5 फिर ऐसे ही 1/2 की पावर 7 मिलेगा, और क्या दे रखा है 1/3 की पावर 2 फिर 1/3 की पावर 4 फिर 1/3 की पावर 6, इसका मतलब 2 वालों को अलग कर लो और 3 वालों को अलग कर लो। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, क्या लिखा जाएगा बताना, माना सीरीज एक्स एन बराबर क्या दे रखा है, एन इजक्ल टू 1 to infinity, यहाँ पर क्या दे रखा है 1/2 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/3 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 5 प्लस 1/3 की पावर 6 और ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। तो मैं देखना कैसे लिखूँ इसको, 1/2 इन सबको एक जगह लिख लो, तो क्या बनेगा 1/2 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 5 प्लस इस तरीके से बनती रहेगी और आगे जुड़ेगी प्लस, अब कौन सा 1/3 वाला लिख लो इधर, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1/3 की पावर 4 प्लस यहाँ पर 1/3 की पावर 6, ये वैल्यूज बनेंगी और आगे हमारे पास क्या चलता रहेगा प्लस डॉट 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 ये चलता रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, ये क्या है देखना, गुणोत्तर श्रेणी है क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या हमारे पास, ये 1/2 है उसमें 1/2 स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया है फिर वापस से 1/2 स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर ए तो क्या है हमारे पास 1/2 है और आर कितना है 1/2 स्क्वायर है, यहाँ पर पहला पद तो कौन सा है 1/3 स्क्वायर, तो ए तो कितना है 1/3 स्क्वायर प्रथम पद, और आर क्या है होता है जिसका मल्टीप्लाई करते रहते हैं, तो ये भी गुणोत्तर श्रेणी है, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर देखना 1/3 स्क्वायर पहला पद था उसमें किसका मल्टीप्लाई किया 1/3 स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो ये बना, तो वैल्यू क्या बनेगी, आर भी कितना है यहाँ पर 1/3 स्क्वायर है। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिख देता हूँ मैं, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी के सभी पदों का सम, इन्फिनिट पदों का सम क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस आर, यही होता है क्या, ये तो कब होता है जब आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है, और एक होता है 1 अपॉन a into 1 अपॉन r माइनस 1, ये कब होता है जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तब। तो r हमारे पास यहाँ पर कितना है 1/4, यहाँ पर कितना है 1/9, दोनों में ही r की वैल्यू 1 से छोटी है क्या, हाँ, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वैल्यू क्या बनेगी 1/2 into 1 अपॉन
वन माइनस आर कितना है, वन अपॉन टू की पावर टू, प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, ए कितना है, वन अपॉन थ्री स्क्वायर है इंटू वन अपॉन आर कितना है, वन माइनस आर कितना है, वन अपॉन थ्री स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं तो क्या बनेगा, वन अपॉन टू इंटू, ये सोल्व होगा तो बताना क्या बनेगा, वन ऊपर तो आ जाएगा टू की पावर टू और नीचे आ जाएगा फोर माइनस वन, तो एक टू से एक टू कैंसिल हो गया हमारे पास, एक टू कैंसिल हुआ तो एक बचा है हमारे पास। ठीक है, अभी ये सोल्व कर लेते हैं हम, इधर से क्या बनेगा हमारे पास, वन अपॉन नाइन इंटू, बोलो क्या, नीचे तो क्या बनेगा नाइन, तो ऊपर चला जाएगा नाइन अपॉन, नीचे क्या बनेगा नाइन माइनस वन, तो वैल्यू क्या बनेगी फाइनली वो हम चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पर तो क्या बनेगा, वन बाई टू इंटू फोर अपॉन थ्री, प्लस ये क्या बनेगा, वन अपॉन नाइन इंटू ऊपर है नाइन अपॉन एट, तो वैल्यू नाइन से नाइन कट गया, यहाँ से टू कट गया, तो वैल्यू आएगी टू अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन एट, तो वैल्यू कितनी आई, ट्वेंटी फोर सिक्सटीन प्लस थ्री, तो वैल्यू कितनी आएगी, नाइनटीन अपॉन ट्वेंटी फोर, ये हमारे पास क्या है आंसर आया है, नाइनटीन अपॉन ट्वेंटी फोर इसका आंसर आया है, बिल्कुल सही है, नाइनटीन अपॉन ट्वेंटी फोर। ठीक है, तो ये फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है तो ये सीरीज़ कैसी है, कन्वर्जेंट है, तो मैं बोलूँगा हेंस आता है, सो सीरीज एक्स एन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट, आता है श्रेणी एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एक्स एन एक अभिसारी अनुक्रम, सॉरी अभिसारी श्रेणी है, अभिसारी है श्रेणी, समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एक्स एन अभिसारी है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर टू, प्रूव दैट द सीरीज वन अपॉन टू प्लस फोर अपॉन फाइव प्लस नाइन अपॉन टेन प्लस सोन एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन इज नॉट कन्वर्जेंट। क्या चक्कर है, हमें सिद्ध कीजिए कि श्रेणी कौन सी, वन बाई टू प्लस फोर अपॉन फाइव प्लस नाइन अपॉन टेन प्लस सोन एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन एक, सिद्ध कीजिए कि श्रेणी दिस अभिसारी नहीं है, अभिसारी नहीं है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो प्रूव करते हैं इसको या सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहली बात तो बताओ, समेशन एक्स एन क्या दे रखा है हमारे पास, समेशन एक्स एन दे रखा है कितना, वन बाई टू प्लस फोर बाई फाइव प्लस नाइन बाई टेन प्लस सोन प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये सीरीज का प्रथम पद, ये सेकंड पद, थर्ड पद, फोर्थ पद और एनवा पद। ठीक है, एनवा पद है, उसके आगे भी है हमारे पास सीरीज, ये सीरीज है हमारे पास। तो इसमें बताओ समेशन एक्सन, ये तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और ये क्या बनेगा हमारे पास, एक्सन बनेगा। तो मैं बोलूंगा हेयर यहां यहां एक्स एन बराबर कितना दे रखा है, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन दे रखा है। तो सबसे पहले जो कंडीशन है हमारी, इन सब का सम तो निकाल नहीं सकता मैं, दौड़ तो नहीं सकता, तो मैं क्या बोलूँगा, सबसे पहले कौन सी कंडीशन निकाल लो कि डायरेक्ट लिमिट लगा करके देखो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन की वैल्यू क्या आएगी। अगर एक्स एन के ऊपर डायरेक्ट लिमिट लगाने पर अगर आपको आंसर जीरो मिल रहा है तो हम इस सीरीज के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर इसका आंसर हमारे पास नॉन जीरो मिल रहा है, जीरो के अलावा कुछ भी मिल रहा है,
तब मैं बोलूँगा कि ये सीरीज़ कैसी है, अपसारी है, डाइवर्जेंट है। तो अभी हम चेक करते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसके ऊपर लिमिट लगाता हूँ तो एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन तो क्या बनेगा, और बाहर बनेगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, वो क्या बनेगी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और ये ऊपर क्या है एन स्क्वायर, नीचे भी एन स्क्वायर है, तो देखना लिमिट लगाओगे तो क्या बनेगा, ऊपर भी इन्फिनिटी का स्क्वायर, नीचे भी इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस वन, तो ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी। मैंने बता दिया अभी जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनता है तो आप क्या करते हो, जो ऊपर इन्फिनिटी बन रहा था उसको बाहर निकाल के, नीचे जो इन्फिनिटी बन रहा था उसको बाहर निकाल कर ऊपर नीचे से काट देते हैं। तो ऊपर दिक्कत कौन कर रहा था, एन स्क्वायर दिक्कत कर रहा था, नीचे से एन स्क्वायर कॉमन ले लो तो एन स्क्वायर आया वन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया तो हमारे पास वैल्यू कितनी बनेगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अंदर वैल्यू कितनी बची बताना, वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर, ये बनेगा क्या, एन टेंस टू इन्फिनिटी लिखते ही ये वाला वैल्यू क्या बन जाएगी, नीचे नीचे इन्फिनिटी बनेगा तो इस टोटल की वैल्यू कितनी बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, तो वैल्यू कितनी बची वन अपॉन वन प्लस जीरो, तो वैल्यू वन बनेगी क्या, तो मैं बोलूँगा आंसर कितना मिला हमें, हमें वैल्यू मिली लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू वन, और वन की वैल्यू जीरो है क्या, जीरो नहीं है। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू जीरो आती तो मैं क्या लिखता कि हमारे पास सीरीज़ के बारे में कुछ नहीं कह सकते, अब इसकी वैल्यू जीरो नहीं आई है तो मैं क्या बोलूँगा, पक्का सीरीज़ कैसी है, अब सारी है, अभी सारी नहीं है, तो मैं बोलूँगा सो सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, अतः श्रेणी एक्स एन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, श्रेणी एक्स एन ही लिख दो सिर्फ, श्रेणी एक्स एन अभिसारी नहीं है, अभिसारी नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। ओके इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे शायद, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया एक बार बता देना सभी, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसके बाद, अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं, छोटा सा है बस, एग्जांपल नंबर थ्री है, सो दैट द फॉलोइंग सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, सीरीज है हमारे पास अंडर रूट वन अपॉन फोर प्लस अंडर रूट टू अपॉन सिक्स प्लस अंडर रूट थ्री अपॉन एट प्लस, इस तरीके से आगे वैल्यू बढ़ रही है हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास वैल्यू। हमें चेक करना है कि ये सीरीज जो है वो अभिसारी नहीं है, तो सोल्यूशन देखना है इसका एक बार, ये प्रथम पद है, ये सेकंड पद है, ये थर्ड पद है, ये फोर्थ पद है, आगे ऐसे, तो देखना प्रथम पद में क्या है, वन है, यहाँ पर सेकंड वाले में टू है, थर्ड वाले में थ्री है, तो बताओ एक्स एन मतलब एनवा पद में क्या बनेगा, एन बनेगा, ठीक है। नीचे देखना ये वाली को कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको टू से गुणा करूँ और उसमें दो जोड़ दूँ, इसको टू से गुणा करूँ उसमें दो जोड़ दूँ, इसको टू से गुणा करूँ दो जोड़ दूँ, तो ये बन रहा है, इसका मतलब क्या है, टू एन प्लस टू है और पूरे के ऊपर है अंडर रूट, तो अब डायरेक्ट लिमिट निकाल लो, तो डायरेक्ट लिमिट वाला निकालता हूँ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन, तो वैल्यू कितनी बनेगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और अंडर रूट एन अपॉन टू एन प्लस टू। अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर हमारे पास क्या बन रहा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जब भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्मूला बनेगा तो ऊपर और नीचे जो इन्फिनिटी बन रहा है उसको मैं काट दूंगा, इन्फिनिटी को नहीं काटूंगा, जो इन्फिनिटी बनने वाला था उसको काट दूंगा, तो वैल्यू क्या बनेगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर से तो n है और नीचे से n को मान लूंगा तो n बाहर अंदर क्या बनेगा, 2 प्लस 2 अपॉन n बनेगा, तो n से n कट गया तो वैल्यू क्या बची, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और अंडर रूट 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन n, ये बना है। n टेंस टू इन्फिनिटी रखते ये तो क्या बन जाएगा, पूरा पूरा जीरो बन जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी देखना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू, ये तो पूरा जीरो, तो वैल्यू बचेगी 1 अपॉन 2, तो वैल्यू बनेगी 1 अपॉन 2 और उसका अंडर रूट, ये बताओ जीरो आया क्या, ये तो जीरो नहीं आया, तो हमारे पास एक टेस्ट है कि जब भी इस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो नहीं आती है, जीरो के अलावा कुछ भी आती है, तो मैं बोलता हूँ गिवन सीरीज, सो सीरीज एक्स एन इज नॉट कन्वर्जेंट, अतः श्रेणी एक्स एन
अभिसारी नहीं है, अभिसारी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस किए हैं हमने और कुछ मेथड्स किए हैं, टेस्ट किए हैं जो हमारे पास कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज के बारे में बताते हैं। बाकी के आप क्वेश्चंस एक बार ट्राई करना, अगर नहीं होते हैं तो फिर मैं आप लोगों को समझा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ही और भी आगे क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे सारे के सारे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, टेक केयर।